थ्रो रिलीज हुई तो मुझे पता चल गया था ये 90 से ऊपर ही थ्रो है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो 92.97 मीटर थ्रो हुई। तो फिर मैं आके कोच साहब को मिला, कोच साहब माशाल्लाह रिलैक्स हो गए, कहते यार बहुत बड़ी थ्रो हो गई है। मैंने कहा सर इसमें अभी अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड तो दे दिया है, रिकॉर्ड भी करवा दिया है, आप दुआ करें, माशाल्लाह फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँ। लेकिन वो कहते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हो, जिस टाइम लिखा हो, वही मिलता है। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ, उतना ही कम है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है, और अगस्त का महीना था और मैं बड़ा खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। तो 14 अगस्त इस गोल्ड मेडल से इंशाल्लाह हम मनाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में आया हूँ और आप सब इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गोल है मेरा वो ये है कि बस दुआ करते रहें, इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहें, और अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, से तंदुरुस्ती दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंशाल्लाह करूंगा। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। अर्शद मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी इजाजत से। आपकी डिस्कवरी 2012 में दुनिया को पता चला कि आप आए हैं, तो क्या आप डायरेक्ट जैवलिन में आए थे जब पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ, तो आप क्या सिर्फ जैवलिन पे ही थे या शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो और भी बहुत सारे इवेंट हैं जहां आप अपने इन मसल्स का फायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली और बड़े भाई एथलेटिक की गेम करते थे, तो इन्होंने कहा कि यार इतनी मेहनत करते हो तो आगे पता नहीं जाना मुश्किल है, तो आप छोड़ें आप एथलेटिक्स में आ जाएं। तो फिर इन्होंने मुझे एथलेटिक्स में लगाया। जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उनका भी मैं बेहद मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे कहा कि यार आप सिर्फ जैवलिन थ्रो करें, आपकी माशाल्लाह जो फिजीक है, हाइट है, वो जैवलिन करें तो परफेक्ट है। मैंने फिर जैवलिन थ्रो में मैंने किया, 2012 से स्टार्ट किया, वो यूथ फेस्टिवल था, तो मेरे ख्याल में मेरा पहला कंपटीशन ही वो था। तो अगर देखा जाए तो सर ने वो जो यूथ फेस्टिवल करवाया है, तो अगर देखा जाए तो वो एक पौधा लगाने वाला हिसाब था, तो आज वो माशाल्लाह पौधा अभी बड़ा नहीं हुआ, आप समझ लें कि वो पौधे का भी स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे आगे इसको लेके चलेंगे, इसको बड़ा करेंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान हम रोशन करेंगे। तो उसके बाद अपना मैंने आल पंजाब विन किया, तो 2015 में मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, और मैं वापडा का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे जॉब दी, बल्कि हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, अभी भी हैं, साबका भी हैं, उनको सबको उन्होंने जॉब दी हुई है, तो वापडा का मैं बेहद मशहूर हूँ। तो मेरे ख्याल में जब प्लेयर्स को जॉब मिलती है तो ये भी प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, तो वहाँ से फिर उसको ज़्यादा शौक पैदा होता है कि मैंने मेहनत करनी है। तो सेम वही हुआ, जब उन्होंने जॉब दी मुझे तो मुझे शौक ज़्यादा हो गया कि इंशाल्लाह मेहनत करनी है। तो 2015 से अभी तक माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी काफ़ी दफ़ा ब्रेक किया, नेशनल चैम्पियन भी अभी तक रहूँ, और इसमें अभी देखा जाए तो मेरे पास 10 मेडल्स हैं, जिसमें 5 मेरे माशाल्लाह गोल्ड मेडल्स हैं, और मैंने 5 गोल्ड मेडल्स जहाँ पे जीते हैं उस गेम का मैंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, जिसमें पेरिस ओलंपिक्स का भी है और एक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का सिल्वर है और बाकी 4th ब्रॉन्ज मेडल है। अरशद आपकी आमद और दिल चाह रहा है कि आपकी इस बात को हम सुनते जाएं, लेकिन क्या करें कि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपका जोर बाजू और ज्यादा करे, मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक दफा तमाम हाजरीन जरा भरपूर तालियां बजा के हमारे इस कौमी हीरो को थैंक यू सो मच सिपाही तहनियत पेश करें, अरशद नदीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
धन्यवाद आपका।